ସେଣ୍ଟର ଅଛି ସିଧା ଅଛି ତମେ ପଳେଇ ଆସ ଏପଟେ ତମେ ଟେକି ଦଉନ ଟିକେ ଆଉ କ'ଣ ତିନି ଜଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ତଳଟା ଟିକେ ଦିଅ सोच विचार के
गरीब मजदूर किसान उस जाति जनजातियों के पक्ष में नियम बनाती रही, कानून बनाती रही, संविधान बनाया है। वही भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा से आज पूरे तरीके से अगर आप देखेंगे आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने जमींदारी खत्म की, राजा महाराजा अलग किए, लैंड सीलिंग लाए, जो जमीन पर हकदार था, जो खेती करता था उसको जमीन का मालिक बनाया, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म खत्म किया और पूरे तरीके से जो मेहनत कश किसान था, जो टेनेंट फार्मर था, उसको मालिकाना हक दिया। इसी प्रकार भारतीय संविधान में जो जाति जनजाति और गरीब के पक्ष में किसान के पक्ष में हम लोगों का पूरा संविधान बना, जिसकी वजह से आरक्षण के माध्यम से हम लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्गों को ऊपर लाने का पूरा प्रयास किया हुआ। इंदिरा जी ने गरीबों के पक्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और साथ में उन्होंने अनुजाति जनजातियों के लिए पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों का और प्रोफेशनल कॉलेजों के अंदर आरक्षण का भी नीतियां बनाई। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन बनाकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस का किसानों के पक्ष में उन्होंने नियम बनाए, योजना बनाई, पॉलिसी बनाई। इसी प्रकार राजीव जी ने भी डिसेंट्रलाइजेशन कर पंचायती राज लाए और हर प्रकार से हम लोगों ने गरीब के पक्ष में नियम और कानून बनाए। यूपीए सरकार में राइट्स दिए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, सारे राइट्स आम आदमी के हक पे नियम और कानून बनाए। लेकिन आप देखते हैं कि जो हम लोगों ने लैंड एक्विजिशन एक्ट यूपीए गवर्नमेंट ने लाए थे, जिसकी वजह से किसान की जमीन अगर कोई सरकार लेती है तो ग्रामीण क्षेत्र में चार मार्केट का चार गुना कीमत और अर्बन एरिया से दुगना कीमत देने का प्रावधान रखा गया और किसी किसान की जमीन ले ली गई थी और उसके बाद उसका उपयोग नहीं हुआ तो 5 साल के बाद वापस लौटाने का भी प्रावधान था। 2014 में मोदी आते हैं, सबसे पहले वो ऑर्डिनेंस लाते हैं लैंड एक्विजिशन के खिलाफ। ये जो लैंड एक्विजिशन कानून बनाया था जिससे किसान को चौगुनी कीमत लैंड एक्विजिशन मिलना चाहिए था, पहले उसको खत्म करके विरोध हुआ, सारी राजनीतिक दलों ने मिलकर उस ऑर्डिनेंस का विरोध किया और उसको फिर आगे नहीं बढ़ने दिया। अब ये जो ऑर्डिनेंस लाए गए हैं फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अमेंडमेंट बिल 2020 एंड बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 और साथ में मजदूर 44 कानून थे मजदूरों के हक के लिए, उनके पक्ष उनको समाप्त कोर्ट उन्होंने पास किए। मैं इस बारे में आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन के माध्यम से उनको
उनकी कीमत, उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके आधार पर उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस अशोर्ड किया जाए, और साथ में पीडीएस के लिए भी गेहूं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से उन्हें दिया जाए। ये बताना नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता उन पर ये इंटरनेशनल ट्रेड का प्रेशर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये विकसित देशों का एक संगठन है जो कि फ्री ट्रेड के बारे में वकालत करता है, और उसके प्रेशर में ही अभी तक कांग्रेस पार्टी उसको रेजिस्ट करती है। मैं बताना चाहता हूं कि 93 में प्रणब मुखर्जी साहब कॉमर्स मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने साफ कहा था कि हम लोग भारत के छोटे किसान और गरीब उपभोक्ताओं के प्रोटेक्शन के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते, और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि हमारे गरीब को कुपोषण से लड़ाई लड़ने और अनाज की कमी के कारण आप हम पर ये बंदिश मत लगाएं, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बंदिश लगा दी थी कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे 10% ज्यादा आप सब्सिडी नहीं दे सकते। तो डेवलपिंग कंट्रीज को ये छूट दी गई कि जब तक आपका सरप्लस नहीं हो जाता है, जब तक आपका गरीबी दूर नहीं हो जाती, तब तक आप सब्सिडी कंज्यूमर को भी दे सकते हैं और किसान को भी दे सकते हैं। अब पूरा इसमें विषय आता है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग कि सरकार कितना अनाज का भंडारण कर सकते हैं। 2013 तक बहुत दबाव के बावजूद भी भारत सरकार ने इस पर समझौता नहीं किया, लेकिन 2015 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समझौता करके उसे विदेशों का गेहूं और चावल आयात करने के लिए उन्होंने कुटुंब से मंजूरी दी, और ये जो 3 कानून बनाए गए ये विदेशों का जो मल्टीनेशनल्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उनको भारत के एग्री मार्केट में उनका प्रवेश लेने के लिए ये कानून लाए गए। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है, विपक्ष झूठ बोलता है कि इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो जाएगी। हमारी मांग है अगर आप कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो जाएगी तो आप इस कानून में डाल दीजिए कि मिनिमम एमएसपी जो है उससे भाव में अगर कोई व्यापारी नीचे खरीदता है तो ये गैर कानूनी काम होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। ये सारा का सारा के अरबपतियों को भारत का रूरल एग्री मार्केट में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता है और किसान का पेमेंट एश्योर किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके बारे में ये भी छूट है। ये भी बताया जाता है कि किसान को बंदिश है कि आपको मंडी में ही आके अपना माल बेचना है, किसान फ्री है आज भी मंडी में लाकर बेचे या प्रोड्यूसर को बेचे, जहां से बेचना बेचे, तो ये झूठ बताया जा रहा है, गलत प्रचार किया जा रहा है कि ये झूठ इस कानून के आ जाएंगे।
जिससे नहीं आएगी पहले से छूट है। और किसी भी व्यक्ति बड़े आदमी को मंडी प्रारंभ करने का उसको अधिकार दे दिया गया। अब क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति बड़ा व्यक्ति अपनी मंडी चालू कर सकता है जहां वो किसानों से डायरेक्टली माल खरीद सकता है, लेकिन पेमेंट की डिलीवरी तो उसी दिन देनी पड़ेगी, 3 दिन बाद कर सकता है। अगर करता है तो उसके लिए उसको एसडीएम के पास जाएगा और एसडीएम एक कॉन्सिलेटरी बोर्ड बनाएगा और कॉन्सिलेटरी बोर्ड बनाने के बाद निर्णय करेगा। उसका निर्णय की अपील होगी कलेक्टर के पास और कलेक्टर के निर्णय की अपील कहां होगी? उड़ीसा में नहीं होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी के पास अपील करेगा। शेड्यूल में एग्रीकल्चर वो बिल लाए हैं ऐसे
फाइल में जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ पंडित जवाहरलाल नेशनल कमोडिटीज एक्ट लाया की सीमाएं, अब वो स्टॉक होल्डिंग की सीमाएं समाप्त कर दी और अभी यदि कहीं कालाबाजारी होती थी तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, पांच राज्यों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार था स्टॉक होल्डिंग तय करने, अब वो अधिकार कलेक्टर का खत्म हो गया, राज्यों का अधिकार भी खत्म हो गया, वो अधिकार केंद्र सरकार को, और उसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर कहीं युद्ध हो रहा होगा, युद्ध की स्थिति होगी या अकाल पड़ा होगा या नेशनल डिजास्टर होगा और उसमें पेरिशेबल आइटम्स का 100% वृद्धि हो जाएगी तो ही आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में स्टॉक सीमा तय कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। फूड ग्रेन ऑयल सीड और पल्सेस के लिए 50%, तो पूरे तरीके से बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को, मल्टीनेशनल्स को हिंदुस्तान के मार्केट में जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में स्टॉक की सीमाएं थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। चौथा वो लाए हैं कॉम्पिटिटिव मूवमेंट के खिलाफ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अब उन्होंने ये कर दिया है कि स्टॉक मार्केट से कोई भी आदमी, पहले तो ये था कॉम्पिटिटिव बैंक में वही शेयर होल्डर हो सकता है जो कि किसान हो, दूसरा व्यक्ति उसमें नहीं हो सकता, अब कोई भी बाहर का आदमी भी उसको शेयर खरीद सकता है। आज लाखों करोड़ की संपत्ति पूरे देश में कॉम्पिटिटिव मूवमेंट की है, चाहे प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटिव सोसाइटी से डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव बैंक, एपेक्स बैंक, मार्केटिंग सोसाइटी, मार्केटिंग फेडरेशन, पूरे देश में अर्बन बैंक्स वगैरह, उसमें भी अब परिवर्तन कर दिया गया है और कोई भी आदमी बाहर का शेयर खरीद सकता है, यानी कि उसमें भी पिछले दरवाजे से कब्जा करने का पूरा प्रयास है। यही नहीं था, अब उन्होंने ट्रेड यूनियंस पर भी बंदिश लगा दी, लेबर पहले किसान को के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, अब किस मजदूरों पर सर्जिकल स्ट्राइक, अलग अलग जगह पर 44 तरह के कानून थे लेबर के, बीड़ी बनाने वालों के लिए अलग था, वेंडर्स के लिए अलग था, डोमेस्टिक सर्वेंट्स के लिए अलग था, इस तरह से 44 कानून थे, उनको उन्होंने 4 कोर्ट में डाल दिया। तो 4 कोर्ट कौन कौन से हैं? एक है वेज कोर्ट, दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोर्ट, तीसरा है सोशल सिक्योरिटी कोर्ट, चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोर्ट। कोर्ट के माध्यम से उन्होंने कह दिया कि अब राज्यों को यह अधिकार है कि वो ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन और मिनिमम वेज और साथ में किसी को नौकरी से निकाल सकते हैं, तो वो अधिकार उनके पास है। और अभी जैसा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 8 घंटे का नियम है, उसे बढ़ाकर 12 घंटे भी किया जा सकता है और हायर एंड फायर हो जाए। अभी ट्रेड यूनियन रजिस्टर करते हैं तो ऑब्लिगेटरी है रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन को, लेकिन वो बिना कोई कारण बताए एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है। तो ये पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईज ऑफ बिजनेस के नाम से ये पूरे तरीके से मजदूर और किसानों का हित समाप्त कर रहे हैं। अभी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर चर्चाएं जो हुई, कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया और जब हमने वोटिंग में डिवीजन मांगा तो उन्होंने हमारे लोगों को सस्पेंड कर दिया, जिसकी वजह से डिवीजन का अधिकार संसदीय परंपराओं में मिश्रा जी बैठे पुराने बहुत ही अनुभवी आदमी है, जब भी वोटिंग होता है वॉइस वोट
होता है, वॉइस बोर्ड पे कोई डिवीजन मांगता है तो विशेष डिवीजन देना पड़ता है, ये बाध्यता है। उस बाध्यता का पालन नहीं किया और जबरदस्ती उन्होंने कानून पास कर दिया जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। आज पंजाब में रेल रोको अभियान है, हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में है, सब जगह। और कांग्रेस पार्टी इस बात को जनता के बीच में ले जाएगी और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का जो जो मंशा से पूरा नहीं। मुझे इस बात का दुख है कि बीजेपी ने इसका विरोध तो किया लेकिन भाजपा का साथ दिया, ये भी अजीब बात है। कहते हैं किसान विरोधी है लेकिन हम भाजपा के साथ हैं। तो भाजपा का और बीजेपी का जो संबंध है वो खूब समझौता है और पूरे तरीके से दोनों मिलकर ही किसान और मजदूरों का विरोध करते हैं। मैं आपसे कहने आया हूं, कांग्रेस पार्टी ने आजादी से लेकर आज तक गरीब मजदूर की और किसान की लड़ाई लड़ी है। आज भी दृढ़ता से कांग्रेस पार्टी जमीनी लड़ाई मजदूरों और किसानों के हक में लड़ेगी। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जस्टिस ओडिशा हाईकोर्ट बार सुब्रमण्यम नायडू 25/4/2002 एवं परवर्ती समय मध्य जस्टिस अनंग पटनायक ताको आवरी विश्लेषण करी रचना करी ऑर्डर दे
paddy is being sold at a very low rate. ये ओडिशा हाईकोर्ट वक्तव्य ये केस को विरोध करते हैं, केस फाइल करा जाएगा, एफसीआई सीधा सड़क खराब के लिए ना हो हर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एसेंशियल कंपनीज है ये दीटा आई तैयारी इंदिरा जब कांग्रेस सरकार थी चाषी मानव स्वास्थ्य रक्षा करिया पे मान्यवर हाईकोर्ट सेक्शन 13 फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को रेफर करी कोई चंदी जे जो दी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बाजार रे मिलू नहीं चाहिए को ताले एफसीआई ता समस्त उत्पादित द्रव्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस रे किनिवा पई बाध्य हाईकोर्ट से एवं यार अगेंस्ट रे केंद्र सरकार को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नवीन बाबू और ओडिशा सरकार सुप्रीम कोर्ट का द्वारस्थ होते केस को एडमिट मध्य कले नहीं गोटे सेंटेंस से डिसमिस कले दिस इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स मोटा कहवार तात्पर्य होची ये उभय दल मूल चाषी विरोधी सारा भारत बर्षर प्रथम जो जजमेंट रे चासी को स्वार्थ रक्षा करे एवं सेटा पुनी आई न होते पक्ष करिया पाई सरकार काहे की सुप्रीम कोर्ट जाई गेले तत्कालीन बीजेपी सरकार काहे की सुप्रीम कोर्ट जाई गेले एवं परवर्ती एही केस रे चासी मान को तरफ रूपे दरखास्त दिया गला मिल ओनर्स मान का तरफ जे चासी माने हमको चासी मान को मध्य किछ बना गला जोगाड़ करी जो माने कहले हम इच्छा अनुसार हम धान बिक्री कर पाए सेत बेले मु हाई कोर्ट रे स्पष्ट भाव रे कहली जे चासी तार उत्पादित द्रव्य जे कोनसी जगह रे बिक्री उत्पादित धान बिक्री करिया पाए किंतु मिल मालिक मानकर किबा व्यापारी मानकर अधिकार नाइ किलिबा पाए ओ माने किलि परबे जो मानको लाइसेंस दबा मिनिमम सपोर्ट प्राइस को वायलेट करि परबे नाही तो एही मान्यवर हाईकोर्ट स्पष्ट भाव में कही 2004 मसीह as the provisions of clause 5 of order for billing of paddy into independent and different from the provision of the order 1982 for levy rise on milling. The business is disposed of with the direction that the farmers can sell their paddy to anybody. वर्तमान दुर्भाग्य सुप्रीम कोर्ट डिसमिस करा पर आप सुप्रीम कोर्ट टैकल करा पर पूरा आलोचना की तरह हो आपको जड़ाई देवा चाहिए वर्तमान दुर्भाग्य पार्लियामेंट रे सरकार को तरफ को कहा जाउ छी जे फार्मर्स को लिबर्टी दिया गला एटा दरकार नै कहया भाई फार्मर्स को लिबर्टी दिया गला पहिले का को बिक्री करि पाइ नै एक्सेप्ट द एग्रीकल्चर सोसाइटी को आइन अछि से आयन को तर्जमा साहब को पहले चासी मारिबो एला निर्लज भाव रे पार्लियामेंट रे कहले बीजेपी जाने मुक्ति देलु चासी मान को सेवा इच्छा अनुसार
ନିଯୁକ୍ତି କରିପାରିବ ୟାଠୁ ବଳିକି ନିର୍ଲଜ୍ଜତା ଆଉ କିଛି ଅଛି ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ 2344 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି
1415 खर्च हो चुका है। दिस इज नॉट आवर स्टेटमेंट, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज द प्रोडक्शन अपन बर्तमान 1800 प्राइस कले